सो हेलो एवरीवन, तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए यूपीटीयू वाले कि भैया डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो कब आ रही है। ऑलरेडी हमने बना रखी है, लेकिन आप लोगों की डिमांड में दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में ज़रूरत पड़ेंगे, ऐसी दिक्कत ना हो कि यार आपको जिस दिन जा रहे हो वहाँ से पहले दिन भगा दिया गया, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर नेक्स्ट डे जाओ, घर भी इतना दूर दूर होता है बच्चों का, तो ऐसा वाला सिचुएशन नहीं पालना ना। ऐसे फालतू डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं एक दो जो कि बच्चों को नहीं कैरी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, तो वो सभी बताऊंगा और कौन सी मैंडेटरी है सारी चीजें बता रहे होंगे। ध्यान से देख लेना, इस वीडियो के बाद किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द काउंसलिंग सपोर्ट और ये सारी चीज हम काउंसलिंग कराते रहते हैं, ठीक है, तो आपको परेशानी नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एक डॉक्यूमेंट भी मिस किया ना तो हो सकता है आपका लाइफ करियर खराब हो जाए और मे बी एडमिशन कैंसिल हो जाए, ठीक है, आप ऐसा नहीं चाहते ना। वीडियो ध्यान से देख लेना, अब ज्यादा नहीं बात करूंगा, बढ़ते हैं एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है और मैं आपको सारी चीज समझा रहा हूँ। पहले डॉक्यूमेंट की तरफ चलें तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है, वो एक्चुअली आपका पासपोर्ट साइज फोटो है। कितनी फोटो लेकर के रखनी है भैया, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। 10 फोटो रख लेना, एटलीस्ट 10 फोटो, वैसे तो 4-5 से काम चल जाएगा, 10 लेके रख लेना अपना सेफ साइड के लिए, ठीक है, वैसे 10 से ज्यादा हो तो भी रख लेना, कम से कम 10 रख लेना। पहला डॉक्यूमेंट। सेकंड हमारा क्या आ जाता है, सेकंड आ जाता है आप लोगों का 12th की मार्कशीट, ठीक है, 12th की मार्कशीट भी चाहिए होगी, साथ ही में 10th की मार्कशीट भी चाहिए होगी, और आपको ओरिजिनल कैरी करने हैं। अभी लास्ट में बताऊंगा कितनी फोटो कॉपी रखनी है, लेकिन ये जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूं सभी की ओरिजिनल, ठीक है, 12th और 10th की मार्कशीट एंड साथ ही में इसका पासिंग सर्टिफिकेट। कुछ बच्चे पूछेंगे 10th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, 10th का नहीं है लेकिन 12th का एटलीस्ट रखना, ठीक है, ये चीज। अगले डॉक्यूमेंट की तरफ चलें, दैट इज अपना क्या होगा, जेई मेन का एडमिट कार्ड। जेई मेन का एडमिट कार्ड बच्चे पूछेंगे कौन सा वाला लेके जाना है, तो देखो यार आपको वो वाला ले जाना जिसमें आपका बेस्ट हुआ था, जिसमें बेस्ट स्कोर आया था, वो वाला एडमिट कार्ड लेके जाना है। अब बात आएगी जेई मेन का एडमिट कार्ड, ठीक है, इसके बाद कौन सा स्कोर कार्ड, ठीक है, इसके बाद का डॉक्यूमेंट है जेई मेन का स्कोर कार्ड। अब ये जेई मेन का स्कोर कार्ड जो है वो कौन सा लेके जाना, फाइनल वाला लेके जाना, उसमें आपके सारे नंबर रैंक सारी चीज लिख रखी है, ठीक है ना, तो फाइनल वाला ही लेके जाना है। ओके, इस डॉक्यूमेंट की चलो, दैट इज योर आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड में क्या होगा आपका, आप आधार कार्ड ले सकते हो, ठीक है, आधार कार्ड ही सबके बच्चों के पास है ऑलमोस्ट, तो वही चीज लेके चले जाना। अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड ये सब तो शायद नहीं बना होगा, ठीक है, तो अगर आपके पास जो भी है कोई सा भी जिससे आप प्रूफ कर सको कि मैं हूं इंडिया का नागरिक, तो वो आपको लेकर के चले जाना है, ठीक है। आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल लेके जाना और फोटोकॉपी भी बताएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये, कितना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। देखो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है, आपके स्कूल से ही मिलेगा, ठीक है, स्कूल से ही मिलेगा। जो बच्चे इस ईयर 12th पास हुए उनको स्कूल से मिलेगा, उनका वैलिड भी होगा, लेकिन जो बच्चों ने ड्रॉप किया, ठीक है, जितने बच्चों ने ड्रॉप कर रखा है, 6 months का ही वैलिड होता है हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आपका तो वैलिडेशन खत्म हो गया है, ठीक है, तो अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। तो बनवाना किन से होता है, ये चीज मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ। सबसे पहले चीज तो यही कर सकते हो कि जो स्कूल आपका पहले था उसी स्कूल में जाना, रिक्वेस्ट करना प्रिंसिपल को, कहना कुछ भी करके रिक्वेस्ट करके, क्योंकि आपको काम निकालना है, बस बात यही है, तो रिक्वेस्ट करके कैसे भी बनवा लेना, ठीक है, उनसे बनवा सकते हो। अगर वो बहुत ऐसा कंडीशन हो गया कि वो माने ही नहीं, तो किसी दूसरे स्कूल में जाओ, थोड़ा बहुत दे ले करके बना दो, किसी भी स्कूल का चल जाएगा, बस स्कूल का स्टैंप और सिग्नेचर होना चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्कूल का हो, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो फिर क्या मतलब कि और किन जगहों से बना सकते, IAS IPS इन सबसे, किसी से भी, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर से, इन सबसे, किसी से भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। मेन है क्या कि वो गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट के लिए कुछ काम कर रहा हो, डैट सेट, इतना सा है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अब बच्चे पूछेंगे इसका फॉर्मेट क्या है अगर हमें बनवाना है, जिन्होंने बनवा लिया उनके लिए कोई इशू नहीं है, अगर आप नया बनवाने जा रहे हो तो ब्राउजर के अंदर फॉर्मेट है, वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यार बीच में डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने इंटरप्शन इसीलिए डाला है क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है और डॉक्यूमेंट्स भी बताएंगे, बट इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कि अगर आप लोगों को काउंसलिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपको कोई अच्छी सीट नहीं मिल रही, आपके रैंक जो भी है उस पर बेस्ट सीट नहीं मिल रही है, प्रेफरेंस आपके पास नहीं है कैसे अच्छा सा कॉलेज से हम भरे, अच्छे कॉलेज मिल जाए, आप लोग हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। इसका प्राइस आज के लिए 1300 है, इसका प्राइस 1500 हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी से ज्वाइन कर लेना, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जिसको ज्वाइन करना है कर लेना, 350 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास है इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, और लगभग सबको सीट मिली है, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लेना और फिर आगे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। जिसको ज्वाइन करना है वो कर ही लेगा, जिसको नहीं करना है वो सोचता रहेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाद आता है जो बच्चे ड्रॉप ईयर वाले हैं, ड्रॉप ईयर का एफिडेविट, ठीक है, क्या ड्रॉप ईयर का एफिडेविट। अब ये क्या भला है, देखो जितने बच्चों ने ड्रॉप किया, जिन बच्चों ने ड्रॉप नहीं किया वो यहाँ पे स्किप कर सकता है, ठीक है, उसको ये डॉक्यूमेंट नहीं जरूरी है। ड्रॉप ईयर क्या है, देखो यार अपने जो भी ड्रॉप लिया है, चाहे 1 साल का 2 साल का जितने का भी है,
तो ड्रॉप ले रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी नोटरी वाले के पास, यहाँ पे भी एडवोकेट ये सब बैठते हैं ना, वहाँ चले जाओगे, वहाँ पे जाकर के बोलोगे कि मुझे एक्चुअली ना मैंने ड्रॉप लिया था, ड्रॉप ईयर का सर्टिफिकेट बनाना है, दैट्स इट। तो आप लोगों को बना के दे देंगे, उनके पास फॉर्मेट रहता ही है, ठीक है। बस उसमें मेनली चीज़ लिखी क्या होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, मेन चीज़ क्या लिखी होनी चाहिए डैट्स की, आपने क्यों मतलब ड्रॉप लिया, तो बोल देना चाहिए कि तैयारी कर रहे थे, डैट्स वाई हमने ये ड्रॉप लिया, ठीक है। इंग्लिश में ही लिखवा लेना बेटर रहेगा, ठीक है, इतना सा ही लिखवाना है, और कितने साल का लिया है वो भी चीज़, ओके। ड्रॉप ईयर के बाद TC, ठीक है, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, लिविंग सर्टिफिकेट कह सकते हो, या आपका स्कूल का चाहिए होगा, ठीक है ना, इसके बिना फिर आपको दिक्कत आ सकती है। TC आप बोल ले लेना, आपको स्कूल से मिल जाएगा, जिस भी स्कूल से, और वो TC पुराना भी हो कोई बात नहीं, चाहे आपका ड्रॉप ईयर वाले भी, उनके लिए दोबारा से कुछ नहीं करना, ठीक है। TC के साथ माइग्रेशन, अब माइग्रेशन की बात आती है, तो देखो सारे बच्चों को मिलता है माइग्रेशन अपने स्कूल की तरफ से, कुछ बच्चों को अगर नहीं मिला, यूपी वाले हैं तो यूपी वालों को उतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो बाहर से होते हैं उनको दिक्कत आती है माइग्रेशन का, ठीक है। तो आप लोग माइग्रेशन भी लेकर के रख सकते हो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट चलो, तो फी रिसिप्ट ऑफ 20,000, जो आप यार सीट एक्सेप्टेंस फी 20,000 पे करने वाले हो, या जिनके केस में SC ST कैटेगरी वाले हैं 12,000 पे करेंगे। जब आप पे करोगे तो आपके पास एक रिसिप्ट जनरेट होती है, अगर वो रिसिप्ट है आपके पास तो वो रख लो, नहीं तो आपके पोर्टल में आ जाता है कि फी रिसिप्ट डिटेल्स, वो वाला स्क्रीनशॉट भी रख लो, उसका प्रिंट आउट कराओगे तो वो भी काम चल जाएगा, ठीक है, तो उसे भी आप लोग रख सकते हो, ओके। तो ये फी रिसिप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, वरना फिर आप शो कैसे करोगे कि मैंने एक्चुअली में कर रखा है, ठीक है, फी रिसिप्ट होगी। उसके बाद आता है मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट चीज है। आप कैसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पहला फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, फॉर्मेट आपको मिल जाएगा ब्राउशर के अंदर ही, लास्ट में जाओगे बिल्कुल तो फॉर्मेट इसका मिल जाएगा, उसी फॉर्मेट को प्रिंट कराना है, क्या करना है, उसी फॉर्मेट को प्रिंट करा करके फिर कहाँ लेके जाना है, किसी भी MBBS डॉक्टर, वो MBBS होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब झोला छाप के पास मत चले जाना, MBBS डॉक्टर हो बस इतना सही काम चल जाएगा। MBBS के पास जाकर के सारी डिटेल्स भर लेना, उसमें आ रहा है कि रोल नंबर क्या है, तो अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना, दैट्स इट, ठीक है, और कुछ नहीं अलग करना है। तो इस सारा चीज़ फिल आउट करके उसके बाद उनसे करा लेना, एक छोटा मोटा फिटनेस टेस्ट करेंगे और कर लेना। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि हेल्थ सर्टिफिकेट, तो हेल्थ सर्टिफिकेट कुछ नहीं है, वही मेडिकल सर्टिफिकेट है, फालतू में दिमाग एक बच्चों को खराब हो रहा है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है, हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाना। इसके बाद आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब डोमिसाइल भी किनको चाहिए होगा, देखो उन बच्चों को चाहिए जो मान लो यूपी से हैं, ठीक है, मान लो क्लास 12th उन्होंने यूपी से नहीं किया था, बाहर से हैं, ठीक है, क्लास 12th कहीं और से किया था, बट जो है फायदा यूपी का ले रहे हैं, यानी कि अपलोड आपने जो किया होगा ना डोमिसाइल, जो भी अपलोड आपने किया डोमिसाइल तभी आपको फायदा मिल रहा होगा, तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि आप यूपी का फायदा ले रहे हो, होम स्टेट से एडमिशन्स ले रहे हो, इसीलिए। अगर जो बच्चे बाहर वाले ऑल इंडिया के हैं, ना ही वो 12th यहाँ से पास किए यूपी से, और ना ही वो कोई फायदा ले रहे हैं, डोमिसाइल नहीं ले रहे हैं, तो उन बच्चों को ये वाला स्किप कर देना है, ठीक है। इसके बाद है कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर जनरल वाले बच्चे हैं उनको कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो स्किप कर सकते हैं इसे, लेकिन आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, OBC, EWS, SC, ST, तो वो आपको लेके जाना है। साथ ही में अगर आप सब कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, या आप रूरल वेटेज लेना चाह रहे हो, तो वो सब भी चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी। एंड अगर आप लोग ये वेट कर रहे हो कि मतलब आप किसी डिफेंस से हो या किसी भी चीज़ से हो, तो सब कैटेगरी वाला भी असली डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा, सारे ओरिजिनल सारी चीज़ों के, ओके। इसके बाद आता है लास्ट चीज़ इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप FW सीट के लिए अगर आपने अप्लाई किया, ठीक है, अगर आपने FW सीट के लिए अप्लाई कर रखा है, तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। इनकम सर्टिफिकेट जो है आपको चाहिए होगा अगर आपने FW के लिए अप्लाई किया था, वरना FW की सीट कैंसिल हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, यही सारे डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जाना। एंटी रैगिंग और ये सब वाली जो बात है, वो आप कॉलेज पे पहुंचोगे, वही आपको फॉर्म दिलवा देंगे, वहीं भर लोगे, ठीक है। और जो पैसे वैसे भरने की बात है ना, तो वो हर कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ कॉलेज जो है DD से मान जाते हैं, ठीक है ना, कॉलेज कुछ DD से मान जाते हैं, कुछ ऑनलाइन पेमेंट भी ले लेते हैं, कुछ नेट बैंकिंग से ले लेते हैं, इस तरह का रहता है। तो वो आप कॉलेज पे जाओगे, आपका काम चल जाएगा, ओके। और हाँ, अब लास्ट आया कि कितनी कॉपी रखनी है हमें, कितनी कॉपी रखेंगे, तो जितने भी हैं सभी की 4 फोटोकॉपी रख लेना, 4 सेट बना लेना, ठीक है, जितने भी हैं सभी के 4 सेट बना लेना, 1, 2, 3, 4, 4 सेट हो गए, और एक ओरिजिनल का। तो इस तरीके से कर लोगे ना, काम आपका सही रहेगा। वैसे आपका काम 2-3 से ही चल जाएगा, 3 वाले से ही लगभग चल जाएगा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहा हूँ, एक आध गुम भी गई तो वहाँ जाकर के परेशान होने से अच्छा घर पे ही परेशान हो जाए, ज़्यादा करा लें, 10-20 रुपये 50 रुपये खर्च हो जाए एक्स्ट्रा, लेकिन फिर वहाँ जाकर तो दिक्कत ना हो। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो आपको कुछ भी डाउट है इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारे चीज़ चाहिए होगा, कुछ भी डाउट है तो पूछ ही सकते हो। सो और अगर आपको काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना हो तो जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लास्ट चॉइस फिलिंग का मौका मिल रहा है राउंड 3 में, इसके बाद चॉइस फिलिंग का मौका नहीं है, इसीलिए जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।